अगली खबर भी बिहार से। बिहार की राजधानी पटना में ग्रेजुएशन के नतीजों के लिए भी छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा ये रोका जा रहा है यहाँ पर। पुलिस वालों के पैर पकड़कर छात्र राज्यपाल से मिलने देने की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें बिहार के पटना की हैं, जहां मगध यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतरकर राज्यपाल से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल मगध यूनिवर्सिटी का पिछले 3 साल का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, जिससे हजारों छात्रों को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इसी को लेकर छात्र राजभवन का घेराव करने के लिए पटना की सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए छात्रों को रोका तो छात्रों ने सड़क पर ही पुलिस वालों और अधिकारियों के पैर पकड़ लिए। कुछ छात्र तो अपना दर्द बताते बताते पुलिस वालों के सामने रोने भी लगे, लेकिन जब पुलिस वालों ने इजाजत नहीं दी तो छात्र भड़क गए और फिर सड़क पर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को खदेड़ दिया। पटना के बाद अब इलाहाबाद के छात्रों की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने आज अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। सब छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, हाथ में कलश मटकी लेकर सड़कों पर हुजूम चल रहा है, पेड़ पर मटकी बांधी जा रही है, सब कुछ पिंडदान की तरह हो रहा है। लेकिन ये क्या, यहाँ अर्थी ले जा रहे लोगों के पीछे पुलिस वाले दौड़ लगा रहे हैं। दरअसल ये सारी तस्वीरें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों की हैं, जो फीस बढ़ोतरी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आमरण अनशन के 18वें दिन आज छात्रों ने पिंडदान और सामूहिक तौर पर मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। छात्रों के आंदोलन की वजह से आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 135वें स्थापना दिवस पर कॉलेज में कोई कार्यक्रम नहीं हो सका। छात्र 4 गुना फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।